हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरे सामने जो ये खुला हुआ है 2023 का जो फेसलिफ्ट निक्सन का मॉडल आ रहा है, वो आप इधर जो निक्सन का जो फोटो है वहाँ पर देख, जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन टोटली जो है चेंज हुआ है। ये जो फेसलिफ्ट है ये सेकेंड टाइम है, मतलब इससे पहले भी एक बार फेसलिफ्ट हो गया निक्सन का। आई थिंक 2020 पे वो मॉडल आया था, लेकिन वो जो डिज़ाइन पिरीमीटर था वो पहले ही था, उसमें सिर्फ थोड़ा सा सामने वाला और पीछे वाला हिस्से में कोई कोई चीज़ चेंज किया था। लेकिन इसमें अभी जो है डिज़ाइन जो है निक्सन का टोटली ऑलमोस्ट चेंज है। यू कैन से कि ऑलमोस्ट 70% जो पुराना वाला निक्सन का मॉडल है वहाँ से चेंज करके जो नया एक लुक देने का कोशिश किया है। सो दिस इज़ द थिंग। एंड अभी जो है इंजन पे आता हूँ। सो 1.2 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल 3 सिलेंडर इंजन अभी मिलने वाला है, लेकिन इससे पहले जो था 1.2 लीटर 3 सिलेंडर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन था। सो दिस इज़ द थिंग। नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन का अभी कोई मतलब न्यूज़ तो नहीं है इधर। एंड 1.5 लीटर जो टर्बोचार्ज डीजल इंजन 4 सिलेंडर, ये पहले भी था, अभी भी ये है। और अभी इसमें DCA जो ड्यूल क्लच ऑटोमेटिक गियर बॉक्स अल्ट्रोस में मिलता है वो चीज़ अभी निक्सन में भी मिलने वाला है। और एक चीज़, टाटा निक्सन पे अभी चार वेरिएंट आएगा, और चार वेरिएंट जो है जैसे 5 में आता था प्योर एडवेंचर क्रिएटिव ऐसे नाम करके, अभी निक्सन पे भी ये चीज़ आने वाला है जैसे स्मार्ट प्योर क्रिएटिव एंड फियरलेस एंड ऑल्सो स्मार्ट होगा एकदम बेस वेरिएंट। सो स्मार्ट, जब अगर आप स्मार्ट लोगे तो स्मार्ट में जो कलर ऑप्शन बहुत ही कम रहेगा, एंड उसमें जो इंजन का ट्रांसमिशन वो भी आई थिंक एक ही मिलेगा, और आपको डीजल जो इंजन है वो प्योर से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। एंड उसके ऊपर क्रिएटिव में जाओगे तो उसमें ऑटोमेटिक जो है वो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। क्रिएटिव एंड फियरलेस में जो है टपेंट दोनों मॉडल है, इसमें ये चीज़ मिलेगा। एंड अभी टाटा मोटर्स 3 ईयर एंड 1 लाख किलोमीटर का वारंटी दे रहा है, इससे पहले जो था 2 ईयर्स एंड आई थिंक 50,000 के आसपास कुछ वारंटी देता था, मेरे पंच पे ऐसा ही है। एंड इसमें जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, इधर आप देख रहे हो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 44 लीटर, एंड बूट पेस अभी बढ़ा दिया गया है 382 लीटर्स है। एंड जो इंजन के बारे में मैंने बोल दिया हूँ, जो आगे पहले जो था नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन मिलता था, लेकिन अभी जो है टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलने वाला है। एंड डीजल इंजन जो था पहले भी यही था शायद। सो दिस इज़ द थिंग। एंड निक्सन का जो है अभी डिज़ाइन लैंग्वेज टोटली चेंज हो गया, मतलब अच्छा लग रहा है देखने में। जो LED DRL है, हालांकि LED DRL पहले भी मिलता था, लेकिन वो एक अलग सा, अभी जो है पूरा डिज़ाइन लैंग्वेज, फॉग लाइट का सेटअप, हेडलाइट, सब कुछ एकदम चेंज करके एक फ्रेश डिज़ाइन दिया है टाटा वालों ने। एंड इसके ऊपर सेफ्टी में भी कोई कोई चीज़ मतलब किया है, जो यू कैन से कि 6 एयरबैग अभी मिलने वाला है, इससे पहले ओनली जो था 2 एयरबैग मिलता था निक्सन पे। सो दिस इज़ द थिंग। एंड इधर आप देख सकते हो स्मार्ट जो है एकदम बेस वेरिएंट है, इधर कुछ छोटा सा डॉक्यूमेंटेशन करके दिया है। इसके बाद अभी ये देखो, ये है फियरलेस का डिज़ाइन, आपको डायमंड कट एलॉय मिलेगा, हालांकि इससे पहले भी डायमंड कट एलॉय मिलता था टाटा निक्सन का एग्जिट प्लस में आई थिंक, बट उसका डिज़ाइन और इसका डिज़ाइन में मतलब ऑलमोस्ट 100% डिफरेंस है। एंड DRL भी मिलता था पहले, बट वो ही जो है डिज़ाइन टोटली चेंज कर दिया है। एंड अभी जो है पीछे में कनेक्टिंग लाइट मिल रहा है, जो आई थिंक हुंडई से इंस्पायर हुआ है टाटा। एंड दिस इज़ द थिंग। ये जो है फियरलेस का डिज़ाइन दिया है जो टॉप एंड मॉडल पे आता है, उसके ऊपर जो चेंज किया है ये 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील विथ एल्यूमिनेटेड लोगो करके दिया है, एंड ऑल्सो जेट
जो है एसी का जो कंट्रोल सिस्टम है अभी टच में आ रहा है। हालांकि ये टच में जो है कॉस्ट सेविंग होता है, क्योंकि जो बटन वाला एसी का कंट्रोल देता है कंपनी, उसमें कॉस्टिंग जो है ज़्यादा लगता है। इसमें जो टच वाला में सो कॉस्टिंग आखिर में कम होता है, लेकिन हाँ इसमें प्रीमियमनेस भी आता है। सो दिस इज़ द थिंग। एंड इधर आप देख सकते हो ये है टोटल इनसाइड ऑफ द कार, एक मतलब अच्छा अलग नया लुक आ रहा है गाड़ी में। सो ये है नेक्सा। एंड इधर देखो आप कंफर्ट जो लिखा है एक्सपीरियंस प्लस कंफर्ट, आपको कूल ग्लाव बॉक्स मिलेगा, एयर प्यूरीफायर जो है मिलेगा, 382 बूट स्पेस जो आई थिंक पहले से बढ़ा दिया गया है। कूल हालांकि ये सब चीज़ पहले भी मिलता था, कूल का बॉक्स, एयर प्यूरीफायर आई थिंक नहीं मिलता था, एयर प्यूरीफायर, वेंटिलेटेड सीट, नेक्सन का जो काजीडांगा एडिशन है उसमें भी वेंटिलेटेड सीट मिलता था। सो कोई कोई चीज़ जो है थोड़ा सा हाइप कर रहा है, लेकिन आखिर में जो है डिज़ाइन बढ़ा दिया गया है, मतलब डिज़ाइन चेंज कर दिया है। एंड नेक्सन का जो प्राइस रिवील होगा 14 सितंबर को रिवील होगा। एंड अभी तक के लिए गाड़ी किसी भी लॉन्च इवेंट पर नहीं शोकेस किया है। सो इसके लिए जितना भी वीडियो आप यूट्यूब पे अभी देखोगे आज के डेट पे, या आज के डेट से जो 14 सितंबर के तक जो है उसमें ऐसे ही जो स्क्रीन रिकॉर्ड करके सब लोग दिख रहा है, मतलब बड़ा बड़ा यूट्यूबर भी। सो दिस इज़ द थिंग। एंड इधर आपको मिलेगा, देखो मैंने जो बोला सिक्स एयरबैग, देखो इधर आपको सिक्स एयरबैग मिलेगा। एंड जो है नया फ्रेम है इधर। सो ये जो है जो चीज़, एंड मैं ये जो देख के बोल रहा हूँ ये है टाटा नेक्सन का ब्रोशियर जो टाटा का वेबसाइट से मुझको मिला है। दिस इज़ द थिंग। अगर आपको मतलब डिटेल में जानना है तो आप टाटा का वेबसाइट पे जाके, और मैं डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके भी देख सकते हो। अभी जो म्यूज़िक सिस्टम का साइज़ है वो बढ़ा दिया गया 10.25 फ्लोटिंग। एंड इसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेसली कनेक्ट होगा। एंड नेविगेशन डिस्प्ले, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ये सब पहले से ही था। एंड वायरलेस चार्जर मिलेगा आपको, एंड कनेक्टेड विथ IRA ऐप, उसमें एक साल का कुछ सब्सक्रिप्शन भी आपको फ्री मिलेगा अगर आप टॉप मॉडल लोगे तो। एंड जो मैं बोल रहा हूँ DCA डुअल क्लच ऑटोमेटिक गियर बॉक्स आपको मिलेगा, जो अल्ट्रोस में पहले से था, अभी नेक्सन पे भी दे रहा है। हालांकि आई थिंक ये चीज़ पंच में भी देना चाहिए, अभी तक के लिए नहीं दिया है। एंड आपको पेडल शिफ्टर मिलेगा। एंड दिस इज़ द थिंग, दिस इज़ द टोटल साइड ऑफ दैट टाटा नेक्सन। डिज़ाइन जो है चेंज कर दिया, साइड में भी जो पहले जो डिज़ाइन था उससे अलग रह गया है गाड़ी। एंड ये है क्रिएटिव मॉडल का जो डिज़ाइन आप देख सकते हो, ऑलमोस्ट सेम ही है जो चीज़ है इसमें, जो कौन सा कलर आपको मिलेगा ये सब चीज़ दिख रहा है, ओशियन ब्लू, डायटोन ग्रे, फ्लेम रेड एंड वाइट, ऐसे करके कुछ है। ये है प्योर स्मार्ट जो है एकदम बेस मॉडल है, इसलिए देखो उधर आपको कुछ रिम गार्ड या एलॉय कुछ नहीं मिलेगा, प्योर से आपको जो है व्हील कवर मिलेगा। सो दिस इज़ द थिंग। एंड इधर जो है, इधर आपको टोटल जो एक एक मॉडल में क्या क्या स्पेसिफिकेशन मिलेगा ये सब चीज़ आ रहा है। बट एक चीज़ ही अच्छा है, जो सिक्स एयरबैग आपको मिलेगा वो बेस वेरिएंट से ही मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बट आई थिंक अभी जो है प्राइस में तो हाइक आएगा ही आएगा, क्योंकि पहले बात यही है कि डिज़ाइन लैंग्वेज चेंज हुआ, सिक्स एयरबैग, दो एयरबैग के जगह छः एयरबैग, एंड ऑल्सो जो अलग अलग चीज़ LED जो DRL है वो अभी बेस मॉडल से देना स्टार्ट हो जाएगा। सो ये सब का तो जो है प्राइस तो थोड़ा सा बढ़ेगा ही, दिस इज़ द थिंग। एंड और एक चीज़ मैं बोलना भूल गया, ये नेक्सन पे अभी जो है 9 स्पीकर मिलेगा, आई थिंक वो जो है स्मार्ट प्लस मॉडल से आई थिंक मिलना स्टार्ट हो जाएगा, 9
जो है स्पीकर, मतलब एक स्पीकर होगा एंड एक सबवूफर होगा। इससे पहले जो था 6 स्पीकर मिलता था हाईएस्ट, अभी जो है 8 स्पीकर मिलेगा एंड 1 सबवूफर मिलेगा। एंड ऑल्सो ये JBL का होगा। इससे पहले जो है निक्सन तक हारमन का म्यूज़िक सिस्टम मिलता था एंड हैरियर सफारी पे JBL का मिलता था, लेकिन अभी जो है JBL का मिलेगा निक्सन पे भी। सो म्यूज़िक जो ऑडियो क्वालिटी होगा, ऑडियो जो साउंड सिस्टम होगा वो बेटर होगा आई थिंक। सो दिस इज़ द थिंग। सो अभी देखता हूँ जो 14 सितंबर को क्या प्राइस आता है, कितना प्राइस पे ये निकलता है गाड़ी, एंड कस्टमर लोगों का क्या फीडबैक है देखता हूँ। एंड आई थिंक होगा तो मैं ज़रूर एक बार शोरूम पे जाके भी ये गाड़ी का जो है ओवरव्यू देने का कोशिश करूँगा। आई थिंक डे बाय डे जो है टाटा का जो क्वालिटी है एंड ऑल्सो सर्विस एक्सपीरियंस इनमें काम कर रहा है, तो आई अप्रिशिएट दैट थिंग। बट हाँ, अभी भी जो है मेरा जो पंच है 2022 मॉडल, उसमें क्वालिटी एंड पेंट का इशू है। बट आई थिंक डे बाय डे टाटा जब ये चीज़ इम्प्रूव कर रहा है तो फ्यूचर में ये चीज़ कम होने का मतलब चांसेस तो है। सो लेट्स सी ये गाड़ी कैसा परफॉर्म करेगा। आई थिंक परफॉर्म तो ज़रूर अच्छा ही करेगा, क्योंकि निक्सन अभी तक के लिए भी मतलब टॉप 10 जो मंथली कार का जो रिपोर्ट आता है उसमें टॉप 10 में नंबर बना रहता है निक्सन का। तो अभी तो फेसलिफ्ट आ गया तो और भी ऊपर चले जाएगा। सो दिखता है क्या होता है। सो दिस इज़ द थिंग ऑल अबाउट दैट टाटा निक्सन 2023 मॉडल जो नया फेसलिफ्ट आ रहा है। अगर इसके ऊपर कोई भी कुछ चीज़ है तो आप मुझको कमेंट करके बोल सकते हो। एंड ये मतलब ऐसे जो स्क्रीन रिकॉर्ड करके ये मैंने पहले ये मेरा पहला वीडियो है। सो अगर कोई भी गलती है तो मतलब माफ़ कर देना। एंड अगर कुछ सजेशन देना चाहते हो तो दे सकते हो। थैंक यू।